दोस्तों, हम अपने दैनंदिन यातायात के लिए कार या एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये व्हीकल्स अपनी एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी महंगे और प्रदूषण भी फैलाते हैं। अब वुहान यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने ऐसा इंजन का प्रोटोटाइप बनाया है जो प्लाज्मा द्वारा थ्रस्ट पैदा कर पाता है। रिसर्चर्स ने हवा को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कंप्रेस करके उसे माइक्रोवेव द्वारा आयोनाइज किया है। ये मेथड नासा द्वारा विकसित किए गए आयोनिक इंजन से डिफरेंट है, जो ज़ेनॉन प्लाज्मा का इस्तेमाल करता है, जो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कार्यक्षम नहीं है। अभी टीम ने जो प्रोटोटाइप बनाया है उससे द्वारा उन्होंने 1 किलोग्राम के स्टील बॉल को 24 mm डायमीटर के क्वार्ट्ज ट्यूब में उड़ाकर टेस्ट किया है। जो थ्रस्टिंग प्रेशर इस इंजन ने तैयार किया है उसे अगर जेट इंजन जितना बड़ा किया जाए तो ये सेम थ्रस्ट पैदा कर पाता है। फिलहाल ये डेवलपमेंट के स्टेज में है, पर आगे जाके ये हवाई यात्रा में क्रांति लाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जहां ये शुरू हुआ था उस चाइना को इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। जहां यूएसए, साउथ कोरिया और यूरोपियन कंट्रीज जैसे डेवलप्ड नेशंस भी इसके सामने हतबल है, वहां चाइना ने सिर्फ 2 महीने के भीतर इसे कंट्रोल करके इसे पूरी तरह थमाने में सफल हो गया है। ये अच्छी बात है, पर थोड़ा सोचने वाली भी है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको तो पता ही है। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने ब्रेदेबल मटेरियल तैयार किया है जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के खिलाफ मिलिट्री पर्सनल्स के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में काम आ सके। अब तक जो मटेरियल्स थे उनमें बायोलॉजिकल और केमिकल पार्टिकल्स से सैनिकों को बचाने के लिए बहुत सारी लेयर्स को बिछाना पड़ता था, जिससे सांस लेने और बॉडी के मॉइस्चर को रिमूव करने में तकलीफ आ जाती थी। इसे सॉल्व करने के लिए मेम्ब्रेन को करोड़ों कार्बन नैनोट्यूब से मिलाया है, साथ ही थ्रेट रिस्पॉन्सिव पॉलीमर लेयर भी मिलाई है। ये कार्बन नैनोट्यूब्स ह्यूमन हेयर से 5000 गुना तक छोटे हैं, जो बायोलॉजिकल और केमिकल वे पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं देती, साथ ही मॉइस्चर को इजीली रिमूव करने में भी हेल्प करती है। साथ ही ये थ्रेट रिस्पॉन्सिव पॉलीमर एक स्मार्ट लेयर है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे थ्रेट के संपर्क में आते ही इन कार्बन नैनोट्यूब्स को और छोटा कर देती है, जिससे पार्टिकल्स अंदर आ नहीं सकते। ये मटेरियल एक अच्छी खोज है जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से सैनिकों की रक्षा करेगा। दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बदौलत गैजेट्स से घिरे हुए हैं। ये गैजेट्स जैसे कि वेरिएबल सेंसर्स, डिवाइसेस और स्मार्ट वॉचेस हमारे जीवन की एक अटूट कड़ी बन चुके हैं। इन गैजेट्स को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो हम उनकी बैटरी को चार्ज करके चलाते हैं। अगर ये गैजेट्स अपने आप चार्ज हो पाए, वो भी किसी एक्सटर्नल सप्लाई के बिना, तो ये एक अच्छी खोज होगी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट ने अब ऐसा जनरेटर बनाया है जो हमारे शरीर की उष्णता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन गैजेट्स को चलाएगा। इस डिवाइस को थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। ये जनरेटर्स टेम्परेचर डिफरेंस द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाते हैं। ये डिवाइसेस पुराने हैं, पर अब तक जो जनरेटर्स थे वे सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे महंगे या लीड जैसे टॉक्सिक मटेरियल से बनते थे। ये डिवाइसेस सीबेक इफेक्ट पे काम करते थे। टोक्यो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जो ये डिवाइसेस बनाए हैं वो नंस इफेक्ट पे काम करते हैं। इस डिवाइस में उन्होंने 75% आयरन और 25% एल्यूमिनियम या गैलियम का इस्तेमाल किया है, जिन्हें डॉपिंग प्रोसेस द्वारा बनाया है। ये डिवाइस काफ़ी फ्लेक्सिबल है और किसी भी शेप में बनाए जा सकते हैं। ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर
आयरन से बनने की वजह से काफ़ी सस्ता तो होगा ही, साथ ही कन्वेंशनल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। जल्द ही इस डिवाइस के चलते हमारे गैजेट्स अपने आप ही हमारे शरीर की उष्णता से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएंगे। दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन मूवी तो ज़रूर देखी होगी, ऐसे ही अगर इंसान भी दीवार के ऊपर चल सके तो जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी ही सेल्फ एडहेसिव स्किन बनाई है जो नेचर द्वारा इंस्पायर्ड है। गेको नाम की एक ऐसी ही चिपकली है जो रफ दीवार पर चल पाती है और साथ ही स्मूथ दीवार पर भी चल सकती है। इसका कारण है इसकी उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे ग्रिपर्स। इससे ही प्रेरणा लेके रिसर्चर्स ने ये स्किन बनाई है। साइंटिस्ट ने पहले भी ये स्किन बनाई थी, पर इसके ग्रिपर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मशरूम जैसे आकार के थे जो इजीली चिपक जाते पर निकालने के लिए कठिन थे। स्किन को बनाने के लिए पुरानी मेथड में मटेरियल को टेम्पलेट पे फैलाया जाता था और थोड़ी देर सेट होने के बाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और महंगी थी। अब नई प्रोसेस में ये मटेरियल स्मूथ प्लेट पे फैलाया जाएगा और फिर ऊपर से लैबोरेटरी ब्लेड द्वारा बनाए गए मोल्ड को रखा जाएगा। ये प्रोसेस फास्ट और कम लागत वाली है। साइंटिस्ट ने इस स्किन के ग्रिपर्स को अब यू और वी शेप में तैयार किया है जो इजीली चिपक भी जाते हैं और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। स्किन के लिए उन्होंने पॉलीयूरेथीन और पॉलीविनाइल ज़ाइलोक्सेन का इस्तेमाल किया है। ये स्किन पूरी तरह डेवलपमेंट के बाद मिलिट्री रेस्क्यू और स्पेस मिशंस में काम आएगा। दोस्तों, अभी देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन शुरू है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, पर यह अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरी तरह हम भारत के नागरिकों के ऊपर डिपेंडेंट है। सीधे सीधे कहा जाए तो GDP देश का इनकम है। अगर हम एक भी नॉन इंडियन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका सारा प्रॉफिट उस देश के GDP में बढ़ावा लाएगा। इसलिए हम भारतवर्ष के नागरिकों को हमारे इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बढ़ोतरी देनी चाहिए। ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं बल्कि ये आदत हम सभी नागरिकों को डालनी चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।